हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिक्स में स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक का हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड रेडिएशन स्टरलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े थे। तो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज द केमिकल स्टरलाइजेशन। केमिकल स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन की क्लासिफिकेशन करवाते समय मैंने आपको इसको दो कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया था, स्टरलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स एंड बाय गैसियस स्टरलाइजेशन। गैसियस स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन के अंदर हमने बहुत सारे केमिकल्स पढ़े थे, जैसे डिटोल है जो एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, अल्कोहल है, आयोडीन है, वो सब जो केमिकल स्टरलाइजर्स होते हैं वो एक डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं। डिसइंफेक्टेंट में और स्टरलाइजेशन में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया था कि क्या डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं और क्या स्टरलाइजेशन होते हैं। मेनली हमने यहाँ पे जो टॉपिक कवर करना है वो हमने यहाँ कवर करना है गैसियस स्टरलाइजेशन। गैसियस स्टरलाइजेशन के अंदर जो मेनली हम गैसेस पढ़ेंगे दैट इज इथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलेक्टोन, दैट इज इथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलेक्टोन, ओजोन गैस एंड फॉर्मेल्डिहाइड। जो पहले स्टरलाइजेशन के लिए यूज होती थी, उससे पहले स्टरलाइजेशन में जो है फॉर्मेल्डिहाइड या ये इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस बहुत ज्यादा यूज होती थी स्टरलाइजेशन के टाइम। लेकिन आजकल इतनी ज्यादा कुछ एक इनकी डिसएडवांटेजेस को देखते हुए, कुछ हमारी नीड्स को देखते हुए या कुछ इन गैसेस के इनके ऊपर एडवांटेजेस को देखते हुए जो गैसेस मोस्ट कॉमनली यूज हो रही हैं वो है इथिलीन ऑक्साइड और बीटा प्रोपियोलेक्टोन। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है, एक्चुअली सबसे पहले हम फर्स्ट एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द इथिलीन ऑक्साइड, फर्स्ट वन इज द इथिलीन ऑक्साइड। अगर इथिलीन ऑक्साइड की थोड़ी सी अब गैसेस के बारे में पढ़ने लगे हैं तो थोड़ा सा हमें उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता होना चाहिए। इथिलीन ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है अगर मैं उसे ड्रॉ करूं, दिस इज द इथिलीन ऑक्साइड, CH2, यहाँ बॉन्ड इक्वल हो गए, ये एक तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर है इथिलीन ऑक्साइड का। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इथिलीन ऑक्साइड का दैट इज अबाउट 10.8 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना बॉइलिंग पॉइंट है तो बड़ी इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। दूसरी, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा हाई है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इजीली लिक्विफाइड हो सकती है, पेनिट्रेटिंग पावर इसकी बहुत ज्यादा हाई है। पेनिट्रेटिंग पावर हाई होने की वजह से इजी पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी हाई, वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, हाईली बैक्टीरियसाइडल, हाईली बैक्टीरियसाइडल और वीरुसाइडल। बैक्टीरियसाइडल और वीरुसाइडल का क्या मतलब है कि बैक्टीरियाज को और वायरसेस को बड़ी इजीली ये किल कर सकती है। अब जो इथिलीन ऑक्साइड गैस है, इथिलीन ऑक्साइड का एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो एंजाइम्स हैं या जो माइक्रोब्स हैं, एंजाइम्स हमें पता है कि मोस्टली प्रोटीन्स के बने होते हैं, या जो माइक्रोब्स हैं ये क्या करता है, उनके अंदर जो अगर सपोज किसी के अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में सपोज थायोल ग्रुप होगा, एसएच थायोल ग्रुप, एमीन ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होगा,
जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सारे के सारे ग्रुप्स होंगे, तो इथिलीन ऑक्साइड क्या करता है, इन सभी ग्रुप्स की एल्काइलेशन कॉज करता है। इट कॉज द एल्काइलेशन ऑफ दीज ग्रुप्स, और एल्काइलेशन कॉज करके इट विल प्रोड्यूस द लीदल एक्शन। लीदल एक्शन मतलब इट विल हेल्प टू किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हेल्प टू किल द बैक्टीरियाज, और हेल्प टू किल द वायरसेस। तो ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी कि ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 10.8 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इतना बॉइलिंग पॉइंट है तो इजीली लिक्विफाई होगी, वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, हाईली बैक्टेरियाइडल और हाईली विरुसाइडल है, थायोल अमीन कार्बोक्सिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये क्या करता है, इसकी एल्काइलेशन करता है। इन ग्रुप्स की एल्काइलेशन करने की वजह से ये क्या करता है, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जब भी हम इथिलीन ऑक्साइड को यूज करते हैं, इथिलीन ऑक्साइड को यूज करने के लिए कुछ एक कंडीशंस हैं, कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, कुछ एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी के ऊपर, मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर या प्रेशर मेंटेन करके ही हम इथिलीन ऑक्साइड गैस को एज अ स्टरलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इथिलीन ऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, इथिलीन ऑक्साइड इज द पॉइजन, इट इज द पॉइजन गैस। लेकिन अगर हम 10% इथिलीन ऑक्साइड को 10% इथिलीन ऑक्साइड को 90% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स कर देंगे, देन इट विल नॉट बी द पॉइजन, इट कैन एक्ट एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट। और जरूरी नहीं है कि ये रेशियो 10 और 90 की हो, ये रेशियो आपके 20+80 की भी हो सकती है, ये रेशियो आपके 12+88 की भी हो सकती है, या इसके अलावा ये डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, टेट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, इनके साथ में मिक्स करके हम इथिलीन ऑक्साइड को एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन अकेले इथिलीन ऑक्साइड को हम एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट यूज नहीं करते। जो इथिलीन ऑक्साइड है, इथिलीन ऑक्साइड को स्टरलाइजिंग एजेंट यूज करने के लिए स्पेशल टाइप का चेंबर या स्पेशल टाइप का ट्रेटस यूज किया जाता है। उसका एक रफ मैं यहाँ डायग्राम बना रही हूँ, जैसे इस तरह से this one is the chamber and this one is the heating coil. ये क्या है आपके पास, this is the gas, this is the steam, this is the gas, this is the steam and this one is the pump. यहां ऊपर इथिलीन ऑक्साइड के एक लगा हुआ प्रेशर गॉज चैम्बर के, हेयर इज द टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम और हेयर इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिस्टम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिस्टम। तो इसके अंदर कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं कि जैसे इसके अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इट मस्ट बी अबाउट 65%, टेम्परेचर जो है इसका इट मस्ट बी अराउंड टेम्परेचर दैट इट मस्ट बी अबाउट 55 डिग्री सेल्सियस। एंड इसी तरह से जो प्रेशर है, प्रेशर इस पर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप के मिक्सचर को यूज किया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को यूज करके वी कैन यूज द इथिलीन ऑक्साइड एज द स्टरलाइजिंग एजेंट। तो ये था थोड़ा सा कुछ मेन मेन पॉइंट्स के इथिलीन ऑक्साइड के बारे में। जो गैसियस स्टरलाइजेशन है उसके केस में जो इथिलीन ऑक्साइड गैस है, इथिलीन ऑक्साइड गैस के ऊपर पूरा का पूरा एक फुल नोट भी आ जाता है कि व्हाई इथिलीन ऑक्साइड इज यूज्ड एज द कॉमन गैस इन द केस ऑफ गैसियस स्टरलाइजेशन। तो उसके अंदर जो आपने स्टार्टिंग में यही लिखना है कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि इसमें इथिलीन ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इथिलीन ऑक्साइड के जो सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की 10.8 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इजिली लिक्विफाइबल है, वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होने की वजह से ये बैक्टेरियाइडल और वायरसाइडल एक्टिविटी शो करती है। नेक्स्ट जो आप इसकी हेडिंग बनाएंगे दैट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन,
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप ये क्लियर करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो एंजाइम्स हैं उनके अंदर जो एसिड यानी थायोल एमीन कार्बोक्सिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो इथिलीन ऑक्साइड उनके साथ रिएक्ट करके उन ग्रुप्स की एल्काइलेशन कोज करता है और अपना लीथल इफेक्ट शो करता है। तो ये है इथिलीन ऑक्साइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ अब इथिलीन ऑक्साइड का हमें पता है कि केमिकली जो इथिलीन ऑक्साइड है प्योर इथिलीन ऑक्साइड इट इज द पॉइजन, सो वी कैन नॉट यूज इट एज इन द केस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और एनी टाइप ऑफ द स्टरलाइजेशन मटेरियल। लेकिन इफ वी विल यूज इट इन द मिक्सचर विद द 90% कार्बन डाइऑक्साइड 80% कार्बन डाइऑक्साइड डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन ट्राइक्लोरोफ्लोरोइथेन डिफरेंट टाइप ऑफ गैस कॉम्बिनेशन देन इट विल नॉट बी द पॉइजन, इट विल एक्ट एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट और इट विल हेल्प टू किल द बैक्टीरिया एज वेल एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का चैम्बर हमारे पास इथिलीन ऑक्साइड के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो ये चैम्बर है इसमें यहाँ नीचे एक हीटिंग कॉयल है, हीटिंग कॉयल ताकि इसका जो टेम्परेचर है हमने अबाउट 55 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना है। ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने इसके अराउंड 65% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें मेंटेन होगी। इसके बाद जो इथिलीन ऑक्साइड गैस और डिफरेंट कंडीशन के साथ की हमने क्या मिक्सचर यूज किया है, हम जब इसकी 65% ह्यूमिडिटी और 55 डिग्री सेल्सियस जब इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा देन वी विल एंटर द गैस। उसके बाद जो है गैस इसके अंदर एंटर करवाई जाएगी ओवर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एंड इट विल बी यूज्ड एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट। अब इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, कुछ एप्लीकेशंस भी होंगी, तो वो भी डिस्कस करते हैं। मेनली जो इथिलीन ऑक्साइड्स की एडवांटेजेस क्या हैं, फर्स्ट विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ द इथिलीन ऑक्साइड। एडवांटेजेस ऑफ द इथिलीन ऑक्साइड, एडवांटेजेस में क्या है कि एक तो सबसे पहले इसकी बहुत ही हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। दूसरी इसकी जो एडवांटेज है इट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड, रिलायबल मेथड का क्या मतलब है कि जो इथिलीन ऑक्साइड है, इथिलीन ऑक्साइड जैसे हमने पीछे टिंडलाइजेशन का मेथड किया था कि वो रिलायबल नहीं है, कि उसमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे, लेकिन ये काफी रिलायबल मेथड है। दूसरा इट हैव नॉन रिटेंशन प्रॉपर्टी, नॉन रिटेंशन प्रॉपर्टी का है मतलब है कि जो भी हम मटेरियल इथिलीन ऑक्साइड से स्टरलाइज कर रहे हैं उनसे इथिलीन ऑक्साइड को कंप्लीटली रिमूव करना इजी है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड अवेलेबल इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, अवेलेबल इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। और सबसे जो मेन इसका पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड फॉर द थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस, क्योंकि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो हमें ज्यादा इंक्रीज नहीं करना पड़ता। अब लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज इथिलीन ऑक्साइड की क्या होंगी, सबसे पहले तो हमें ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन इसको हैंडल कर लेगा, we need the skilled person, we cannot used on the some pharmaceutical products, कुछ pharmaceutical products होते हैं जैसे कि आप लगा लो injectables हो गए, dialysis material हो गए, उनके केस में हम इसको यूज नहीं कर सकते। तीसरा जो इसके अंदर मेन इथिलीन ऑक्साइड की है कि इट इज द वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एंड फोर्थ
जो इसका डिसएडवांटेज है, स्किल्ड पर्सन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर सबके ऊपर यूज नहीं कर सकते, वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड अनइकोनॉमिकल अनइकोनॉमिकल कि इतनी इकोनॉमिकल नहीं है कि हम हर एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर उसको यूज कर सके। हम यूज करते कहाँ हैं इथिलीन ऑक्साइड को, इसको मेनली हम यूज करते हैं कुछ एक जैसे प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, एंटीबायोटिक प्रिपरेशंस हो गए, कुछ एक महंगी प्रिपरेशंस हो जाते हैं, या हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसे अपरेटस होते हैं जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, उन सब चीजों के लिए हम इनको इसको इथिलीन ऑक्साइड गैस को यूज करते हैं। तो ये था हमारा इथिलीन ऑक्साइड का मेजर कंसेप्ट कि वेयर हाउ द इथिलीन ऑक्साइड इज यूज्ड एज द केमिकल स्टरलाइजेशन। और मेरे ख्याल से अगर इसके ऊपर एक लॉन्ग नोट आता है तो इसके ऊपर जितना मैटर मैंने आपको लिखवाया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट इज द बीटा प्रोपियोलेक्टोन। बीटा प्रोपियोलेक्टोन, बीटा प्रोपियोलेक्टोन भी एक तरह से साइक्लिक गैस ही है। अगर बीटा प्रोपियोलेक्टोन का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, दिस इज द बीटा प्रोपियोलेक्टोन, दिस वन इज द बीटा प्रोपियोलेक्टोन, दिस इज ऑल्सो द साइक्लिक गैस। बीटा प्रोपियोलेक्टोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 163 डिग्री सेल्सियस। इट ऑल्सो हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, लेकिन इसकी जो एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस और फ्रॉम द मटेरियल टू विच इट इज स्टरलाइज्ड। इसको मेनली हम यूज कहाँ करते हैं, इसके केस में जो हमें ह्यूमिडिटी है दैट इज अबाउट 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टरलाइजेशन कंडीशन फॉर द बीटा प्रोपियोलेक्टोन। अगर हमें सपोज एक रूम को स्टरलाइज करना है, एक रूम को स्टरलाइज करने के लिए अबाउट 2 to 4 mg/L ऑफ बीटा प्रोपियोलेक्टोन, ऑफ बीटा प्रोपियोलेक्टोन प्लस 2 to 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड 2 आवर्स। एक रूम को स्टरलाइज करने के लिए हमें मिनिमम ये जो इसके अंदर अराउंड द टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस ये कंडीशंस हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। जो बीटा प्रोपियोलेक्टोन है इसको हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं यूज करते, इसको सिर्फ हम वर्किंग एरिया के लिए या किसी हॉस्पिटल में किसी रूम को माइक्रोब ट्री करने के लिए या किसी सरफेस को या इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, किसी भी तरह के फूड प्रोडक्ट्स के लिए या किसी भी तरह के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए हम बीटा प्रोपियोलेक्टोन को यूज नहीं करते। नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमारे पास है ओजोन गैस। ओजोन गैस, ओजोन गैस का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, दैट इज द O3। ओजोन गैस है दैट इज द हाईली वायरोसाइडल, वायरोसाइडल मतलब वायरसेस को किल करने वाली, बैक्टीरियोसाइडल, बट इट इज वेरी इरिटेटिंग एंड ऑल्सो पॉइजन्स, पॉइजनस इन नेचर। कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं कि थोड़ी सी ये पॉइजनस भी हैं। पॉइजनस एक्चुअली हम किस केस में कह सकते हैं कि डायरेक्टली हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये पॉइजनस है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, मेन जो प्रॉब्लम है ओजोन गैस के केस में, इट इज द वेरी रिएक्टिव। किस किस के साथ? इट इज वेरी रिएक्टिव विथ हर एक चीज के साथ, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। जैसे आप मान लो एल्डिहाइड्स के साथ, प्रोटीन्स के साथ, एसिड्स के साथ,
या कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके साथ बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाती है। इसलिए जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस को हम फूड प्रोडक्ट्स या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की स्टरलाइजेशन के लिए नहीं यूज करते। मेनली हम इसको जो यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, और इन सम केसेस, कुछ केसेस में हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन सभी फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए हम ओजोन गैस को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एल्डिहाइड्स, प्रोटीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल ऑलमोस्ट सभी के सभी ग्रुप्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब जो इसके अंदर लास्ट गैस है, दैट इज द HCHO, दैट इज द फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड पहले भी यूज की जाती थी। फॉर्मेल्डिहाइड और सल्फर डाइऑक्साइड दो ऐसी गैसेस थी जिनको मेनली गैसियस स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता था, और फॉर्मेल्डिहाइड आज भी यूज की जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली फॉर्मेल्डिहाइड का यूज बहुत कम किया जाता है। दैट इज द फॉर्मेल्डिहाइड। इट इज द इरिटेंट, सबसे बड़ी बात है कि इरिटेंट है, पंजेंट स्मेल है, पंजेंट मतलब बड़ी तीखी स्मेल है, कंप्लीटली बैक्टीरियसाइडल है, बैक्टीरियसाइडल नॉट बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियसाइडल बैक्टीरियोस्टेटिक में मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया था कि जो बैक्टीरिया उसको किल कर दे वो बैक्टीरियसाइडल है, जो उनको इनएक्टिवेट कर दे वो बैक्टीरियोस्टेटिक है, कंप्लीटली बैक्टीरियसाइडल है। और इसके अलावा जो गैशियस एज वेल एज सोल्यूशन दोनों फॉर्म्स के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड अवेलेबल है। फॉर्मेल्डिहाइड को मेनली हॉस्पिटल्स के अंदर ही इसको यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के लिए, या हॉस्पिटल के जो लिनन्स के लिए, क्लोथ्स के लिए, या कहीं फ्यूमिगेशन, फ्यूमिंग चैम्बर होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड को किसी भी तरह के फूड प्रोडक्ट्स के लिए या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज नहीं किया जाता। तो ये थे हमारे जो चार मेन गैसेस हमने इसके अंदर पढ़ी थी आज, केमिकल स्टरलाइजेशन। उसके अंदर हमने जो दो क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस की थी, दैट वाज द केमिकल्स एज वेल एज द गैसियस स्टरलाइजेशन। केमिकल्स के अंदर हमने डिटोल, आयोडीन, एल्कोहल, ये सारे डिसइंफेक्टेंट्स पढ़े थे। ये मैंने यहाँ इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में और स्टरलाइजेशन के बारे में हम डिफरेंस भी अच्छे से फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ जो हमारा मेन बेसिक कंसेप्ट था वो गैशियस स्टरलाइजेशन से रिलेटेड था। गैशियस स्टरलाइजेशन के अंदर मेनली हम इथिलीन ऑक्साइड, ओजोन, ग्लिटर, प्रोपियल, लैक्टोन और फॉर्मेल्डिहाइड की गैसेस यूज करते हैं। सबसे ज्यादा इथिलीन ऑक्साइड को यूज किया जाता है, और फिर बीटा प्रोपियोलैक्टोन को, इथिलीन ऑक्साइड गैस को हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर या मेडिसिंस के अंदर या फूड प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो इथिलीन ऑक्साइड है वो अगर हम प्रॉपर्टी वाइज देखें तो उसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, उसको सरफेस से रिमूव करना भी ईजी है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है लेकिन कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंप्लीटली बैक्टीरियसाइडल, वीरुसाइडल प्रोसेस है और रिलायबल मेथड है। जबकि जो बीटा प्रोपियोलैक्टोन है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन में अगर हमें क्रोम को स्टरलाइज करना पड़े तो कम से कम 2 आवर्स विद दीज कंडीशंस हमें बीटा प्रोपियोलैक्टोन के साथ करने पड़ेंगे, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 163 डिग्री सेल्सियस है। बीटा प्रोपियोलैक्टोन को जो हम फूड मटेरियल्स या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए अवॉइड करते हैं। ओजोन गैसेस को ना यूज करने का मेथड बीटा प्रोपियोलैक्टोन का भी वही है कि एल्काइलेटिंग एजेंट, ये भी एक एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, जैसे इथाइलीन ऑक्साइड एल्काइलेशन कॉज करके लीथल इफेक्ट शो करता है, उसी तरह से बीटा प्रोपियोलैक्टोन भी करता है। ओजोन गैस है, ओजोन गैस को मेनली डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर और कुछ एक फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली जो ओजोन गैस है दैट इज वेरी रिएक्टिव, ये मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है, इसलिए ओजोन गैस को एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट बहुत कम यूज किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो कि पंजेंट इरिटेंट है, लिक्विड और गैसियस दोनों फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल है, इसको आज भी हॉस्पिटल्स के अंदर किसी फ्यूमिंग एरिया में या हॉस्पिटल लिनन्स के लिए या हॉस्पिटल के कुछ जो मटेरियल्स हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो हम कंटिन्यू करेंगे वो हम स्टडी करेंगे मैकेनिकल स्टरलाइजेशन।